मीना लेमिनेस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राफेल सौदा रद्द कराना चाहती है कांग्रेस, पीएम मोदी। बिहार मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, सड़क पर शव रखकर हंगामा। राहुल गांधी आज भोपाल में राम भक्त के लगे पोस्ट पर, अब देखते हैं कब भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राफेल विमान सौदे पर विपक्षों के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि हमारी वायुसेना मजबूत हो, इसलिए वह राफेल सौदा रद्द कराना चाहती है। सौदे में गड़बड़ी के आरोपों पर पहली बार जवाब देते हुए पीएम मोदी ने पूछा कि आखिर कौन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सौदे में गड़बड़ी के आरोपों पर पहली बार जवाब देते हुए पीएम मोदी ने पूछा कि आखिर किन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सेना, सुप्रीम कोर्ट, संविधान, चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक, चुनी हुई सरकारों के खिलाफ कांग्रेस का इतिहास देश ने देखा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से हमारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े। मोदी ने कहा, जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें डरना ही होगा। चोर लुटेरों में डर पैदा करने के लिए जनता ने हमें बिठाया है। जो लोग पैसा लेकर भागे हैं वे ट्विटर पर रो रहे हैं। औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के पहाड़पुरा गांव निवासी 50 वर्षीय मदन यादव भाजपा में किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष थे। जानकारी के अनुसार सुबह 5:30 बजे वे टहलने के लिए अपने घर से निकले थे। उनके साथ दो अन्य लोग भी थे। जलपुरा मोड़ के समीप दो अपराधी पैदल ही उनके पास पहुंचे और उन्हें गोली मार दी। अपराधियों ने कनपट्टी में एक गोली मारी, जबकि दूसरी गोली पेट में दाहिने तरफ मारी गई। घटना स्थल पर ही मदन यादव की मौत हो गई। थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार फिलहाल मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। भोपाल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए शुक्रवार को भोपाल आ रहे हैं। यहां किसान आभार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के स्वागत में जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं। कुछ होर्डिंग में उन्हें राम भक्त बताया गया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।